खुशबू लाजवाब है और खाना भी माशाल्लाह। रायता, प्याज और पानी जो है लगा दिया गया है। रोंगटे खड़े हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम साथ हैं। सामान निकाले जल्दी जल्दी। हाँ जी, मेहमानों के लिए दावत बनाना स्टार्ट करें। हाँ जी, तो निकाले। नहीं, मैं वैसे बैठा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ सामान उठा के। अच्छा, मैंने क्या फसा फिर मुझे सामान उठा के। इतना इतना ही खाली रखा खुशिया बैठा रहा था जी। हां सही है, थैंक यू सो मच। खिड़की खोलन के। हां, अब बंद कर दूं। हां, और बंद कर। बंद कर दी। चलें आप फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे बनाना है? बनाएंगे छत पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बनाएंगे भी छत पे, खाएंगे भी छत पे। जो बीमार है अल्लाह पाक शिफा दे, जो बेवला दे अल्लाह पाक नेक साले औलाद दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामान आ चुका है, अभी खाना पीना बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। आप चले पानी शानी आपने पीना है? पानी तो पीना है, क्योंकि ये मेरे साथ है ना। आज मैंने इनको ना ही जूस पिलाया है, ना ही पानी पिलाया है, कुछ भी नहीं खिलाया। धूप में उल्टा जलाया है इनको। अच्छा किया है। अभी देखें इसके, इनके होंठ देखें सूखे हुए हैं। ये वो सब पहले मैंने कहा यार सीने कर लो जल्दी 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 सीने कर लिए। ये मिसाले देख रही है, बिस्मिल्लाह करो, काटो और बनवाओ। और ये बच्ची दूसरी कौन है? ये इकरा। हाँ जी, कैसे बोलती बोलती कैसे है? हाँ जी, इंशाल्लाह बनाएंगे, बनाएंगे तो खाएंगे। आपने माइंड नहीं करना, खुशी से करवाना है कराए, नहीं तो मैं और ढूंढ लूंगा कोई। हमारा अपना खा रहे हैं। जितना जल्दी बनाएंगे फिर उतनी जल्दी खाएंगे, फिर चले जाएंगे। चल रहे कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। बेगम गैस की आग जो है ना मट्ठी रखना, अगर ऊपर चूल्हे पे जलाए ना बस 5-2 मिनट जलने दिया कर, फिर थोड़ा सा पानी डाल देना। फिर थोड़ा सा पानी डाल, फिर फूकेंगे फूकेंगे ऐसे। भाई हमारे जाने की वजह से ना अपनी वो दावत ना खराब करें। वो खाएंगे नहीं आप लोग, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बन जाएंगे। हल्की आंच पे जो चीज बनती है ना बहुत अच्छी बनती है। प्यारे दोस्तों चलते हैं ऊपर, क्योंकि आज दावत जो है वो ऊपर बन रही है। हाँ जी, अभी मैंने कहा उनको आप लहसुन अदरक का पेस्ट बनाए, तब तक आग जला तो इन घंटे बजने बन रहे। इधर से घंटिया किस। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसको इधर उधर मत मारो ना, सीधा सीधा हमको मारो। आग जल रही है, माशाल्लाह। सामान आ गया सारा, सुबह के सोए हो अभी उठे हो, क्या वजह है? तबीयत सही है? क्या खा रहे हो? रोटी अभी खा रहे हो, दावत बन रही थी, पुलाव बन रहा था चिकन वाला, वो फिर नहीं खाओगे? हैं, अभी तो रोटी खा ली, रोटी खा के तो पेट भर लोगे, फिर कैसे खाओगे वो? मुंशी इधर है, मुखलिस भाई, और दावत जो है छत पे बन रही है, क्या आपने व्लॉग बना लिया? अच्छा ना, ये ना हम इधर देख रहे हैं। इधर बनाएंगे? इधर तो हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इधर मक्खियां बहुत हो गई हैं यार, इधर मक्खियां थी ना बहुत, मक्खियाँ बहुत हैं जी, और गर्मी भी फिर इसलिए, फिर इस जगह पे गर्मी हो जाती है इसकी वजह से, इसलिए जो है ना फिर इधर नहीं बना। इधर जब इधर बना बन रहा होता है ना खाना, इधर बैठना नहीं आता, गैस गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जो है ना मसला होता है, इसलिए जो है ऊपर निज़ाम बनाया हुआ है। दावत माशाल्लाह जोर शोर से आज बन रही है, आज का व्लॉग तो देखने वाला है।
तो देखने वालों ने साथ रहना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आज वाली वीडियो को जरूर शेयर करना है। ऊपर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि हम पुलाव कैसे बनाते हैं, साहिबा जो है वो कैसे बना रही है, और जब बन जाएंगे फिर आपको टेस्ट करवाएंगे, दिखाएंगे, बात लिखवाएंगे। ये क्या, आप तो औरों को सिखा रही थी, काम तो खुद कर रही है, बाकी कहाँ गई है? इधर कुर्सी लगा के कोई बैठ गया, कोई उधर कपड़े उठाने लग गया। नहीं, वो ना सब चीजें इकट्ठा कर दी है और भाभी जान बना रही है और ऊपर बैठे हुए हैं, जो चीज जरूरत होगी आवाज लगाएगी, सब चीजें इकट्ठा कर देंगे, बना भाभी खुद रही है। ऐसे साथ साथ थोड़ा चिकन दिया, टमाटर दिया, वो आग ना निकले ऊपर से, मैं पीछे करके डालो, उसके बाद आग जो है ना ऊपर झलवा लगाती है, वो ना वो अगर पीछे हो जाओ, ऐसे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चिकन डाल दिया सारे का सारा, पौना नहीं लेके आए, मुझे लगता उठाया है वो, फिर उधर चिकन के ऊपर बाकी सामान उठाया हुआ था ना। अभी सर कैसे पकड़ेंगे इसको? अभी थोड़ा हला के देना है, फिर छोड़ देती हूँ, फिर ले हम साथ हैं, बढ़ गए हैं अब, पहले अकेली कर रही थी काम, अब कुछ बढ़ गए हैं, देखें अब जैसे जैसे ये बनती जाएगी ना, ये खाना बनता जाएगा ना, वैसे वैसे झूम होते जाएंगे, झूम बनता जाएगा, बनता जाएगा। किसने प्याज काटे थे? इकरा ने, पता है क्या, उधर जितने भी बैठे थे ना साथ में, सब लोग रो रहे थे, इसलिए आंसू की आंसू आगे आ गए, नजर नहीं आया। और ये प्याज जो है ना इतने ज्यादा कड़वे हैं, जैसे मामी जान चीजें डाल रही है, बहुत ज्यादा पहले आपने प्याज डाल दिए, ये साथ साथ ना सीखते जाना आप, ठीक है, और जब हम आपकी तरफ आएंगे ना, आपके घर आएंगे, फिर यही चीज बनवा के खाएंगे, वैसे ही बनाएंगे, वैसे जैसे ये बन रही है ना, हम देख रहे हैं। हाँ, अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई ना, फिर हम बहुत गुस्सा कर लेते हैं, आपको पता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ जी, इसलिए तो हम सीखने आए हैं कि हम जब आएंगे ना, फिर कोई कमी ना रह जाए। हाँ जी, क्योंकि मेहमान की जितना खिदमत की जाए ना, अल्लाह पाक उतना बरकत देता है, हमारा तो ये मानना है। बाकी आज का लोग वैसे गलत माइंड सोच लेते हैं कि जो है ना इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, यार क्या बनेगा, लेकिन दर हकीकत जो है ना, जितनी मेहमान की खिदमत की जाए, अल्लाह पाक 11 गुना बढ़ा के देता है। ये चीज़, ये हदीस है बाकायदा, ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, तो इसलिए हमने आज माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने का एहतमाम किया है, ताकि बरकत और बढ़ जाए। काफ़ी दिन हो गए हमारी तरफ मेहमान नहीं आए ना, तो हमें मज़ा नहीं आता, जब हमारी तरफ मेहमान नहीं आते हमें, हम ऐसे परेशान रहते हैं। एक बात बताऊं? यस सर, हम भी आपके बिना उदास थे। सही है, फिर आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ, आप अगर इधर शिफ्ट होते हैं ना, ये ऊपर वाला कमरा आपका, ये वाला फैमिली रह रही है, वो तो मामू है ना, मामू के साथ मामी है, उनका एक बेटा है, ये ऊपर दो कमरे है ना, एक उनका एक आपका। हाँ, नहीं नहीं दो है, बाकी ये है कि आप इधर कुकिंग करें, खाने छाने बनाएं, फिर जो है आप इधर रिहाइश कर लें, अम्मी अबू अपने अम्मी अबू को भी बुला लें, सारी बिरादरी को बुला लें, रौनक अच्छी लगी रहेगी। फिर छत को जो है ना वो सरिये डालने पड़ेंगे, ये छत कहीं नहीं जाती अल्हम्दुलिल्लाह, मजबूत है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, फजल है, इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा किया है, और इंशाल्लाह इंसानों का तो वजन उठा ही लेगी। फिर जो है ना सोचते हैं इस बारे में,
अब बाकी कुर्सी का पता नहीं है वजन उठाती है आपका या नहीं उठाती, हाथ तो उठा लेगी। इंशाल्लाह ये अभी मेहमानों को दावतें खिलाएंगे, फिर बरकत पड़ेगी, जब बरकत होगी तो इंशाल्लाह हमारे रिस्क में बरकत होगी, बढ़ेगा तो इजाफा होगा, तो हम इंशाल्लाह बना लेंगे, इंशाल्लाह हम शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ जी बड़ी होशियार है ये, फौरन कैसे जवाब देती है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको दे, सबको दे, हर किसी को दे, जो भी मेहनत कर रहे हैं सबको अल्लाह पाक दे, इतना वसी रिस्क दे के वो लोगों में बांटे। अच्छा मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ बांध दे, हाथ जोड़ दे, हाथ जोड़ दे, गुजारिश ना कर, दिल खोल देगा, दिल खोल दे, कर। गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी विलेज व्लॉग पर भाई विजिट करें, उसको जो देख के चले जाते हैं ना उसको सब्सक्राइब भी किया करें, बिल्कुल ऐसे सही है, कभी विजिट करें, क्योंकि हम आपको पता है कि असलम भाई जानते हैं हम तकरीबन 3rd साल है मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही 2 चैनल छोड़ दिए, एक मेरा पहले वाला अकेले का था वो छोड़ दिया, दूसरा हम दोनों ने बनाया अहमद खलील वाला वो भी छोड़ दिया, अब नया बना के खुद असलम भाई के हाथों से बनवाया है, मुबारक हाथों से। हाँ जी ठीक है, और मजे की बात यह है कि मैं जो भी चैनल बनाता हूँ वो नहीं चलता है भाई, पढ़ते कुछ नहीं पुत्र, पढ़ते कुछ भी नहीं है, बस ये है कि लोगों को पता चल जाता है कि असलम ने बनाया है, जहले से इतना होते हैं लोग, ऐसे तो ना कहें हमारे हौसले छूट जाएंगे, इस बार ना लोगों को हम गलत ठहराएंगे, जो लोग ऐसी बातें करते रहे लेकिन हम कामयाब होकर दिखाएंगे, पक्की बात है, नाम रोशन करेंगे। चलें ठीक है, वैसे जोर तो बहुत लगाते हैं कि ये ना चलाएं, इनके लोग व्लॉग ना देखें, ये करें वो करें, हालांकि सही भी लोग होते हैं यार, इनमें कुछ भी नहीं होता, VIP, मैं खुद अपने व्लॉग देखता हूँ ना तो मुझे खुद को बहुत मजा आता है, ऐसे मैं व्लॉग बनाता हूँ, और माशाल्लाह ये इकरा अच्छे व्लॉग बनाती है, इनका तो मैं देखता हूँ हंसी आती है, मजे का बोलते हैं ये लोग। अच्छा जैसे भी बनती है ना आप डाल दिया करो, बोलना आ रहा है नहीं आ रहा डाल दिया करो, अगर आप फैंसी बनाते हैं ना बोल दे अपने चैनल का नाम। हाँ इकरा, इकरा फैमिली व्लॉग, ओके हो गया जी, इकरा फैमिली व्लॉग, और इकरा लिखने के लिए आपको IQ लिखना पड़ता है, RIQRA इकरा, ठीक हो गया जी, लगा दी ऐड, अब देखना आपके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, बस अब आप घर जाने की तैयारी करो, हम पीछे आ रहे हैं तकरीबन ये 10-15 दिन से ना इसी इंतजार में है कि कब फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा है कि जब मोनेटाइज हो जाएगा ना चलो एक कुछ छोटा सा फंक्शन करेंगे, सब बहन भाई को बुलाएंगे। सही है, ओके है, गुड है। चलें जी इधर लाल मिर्चें जा रही है अंदर, और अल्लाह करेगा थोड़ी जाएंगी, नहीं तो आजकल ये लग बहुत रही है, हाँ ऊपर नीचे से मिर्चें लग जाती है, आजकल का मौसम ऐसा चल रहा है ना, हाँ पेट में जाती है तो वात को लगती है, फिर जब अल्लाह माफ करे उधर भी लग जाती है, शुक्र है बेगम ने थोड़ी मिर्चें डाली हैं, अल्लाह नसीब करे इनके अच्छे, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसा हीरो जो दिया है, अरे मेरी तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है, डिंगा डन्ना डिंगा ना कटन्ना डिंगा ना कटन्ना डिंगा ना कटन्ना, माशाल्लाह मेरा भाई चांद जैसा है, शुक्रिया शुक्रिया, लाल लाल गए टमाटर भी डाल दिए, इकरा का जैसा सूट है वैसे टमाटरों का रंग है, वो स्लिप हो गया थोड़ा सा, सीरियस बात है कि असलम भाई का व्लॉग देखने वाला होता है, भाई मैं वैसे सोच रही थी व्लॉग बना रहे हैं लेकिन भाई ने कोई ऐसी जोक वाली बात नहीं कही, हो गई ना आने वाली, अब हो गई है, हो गई है, देखे ये निकड़ा भी खेल रहा है सुन के, वो ऐसे स्लिप हो गया वो, अच्छा मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, जैसा टमाटर का कलर है वैसा बच्ची के सूट का ये कमीज का कलर है, हाँ जी, मैंने मैच करके, अब बस करो मेरा व्लॉग बहुत बन गया है, क्या बना गला खड़ा है, हाँ जी गोश्त जी चेक करके देखें कैसा है, भी नमक बहुत कम है, हाँ अभी पानी डालूंगी ना फिर इसमें डालती हूँ नमक भी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कटोरा गिला ये पानी का गया, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, और ये हो गया चार। पांच कटोरे डालने हैं ना? जी। अच्छा ये हो गया चार, पानी ले आती हूँ। हाँ पाँच डाल दो इसमें। पानी उबल रहा है तो हम इसमें अब चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकून सकून से, सकून सकून से हाथों का ख्याल करना, गर्म पानी है। पाँव का भी ख्याल करना, ऐसे मारो थाल को ठक ठक। इतने हैं या और भी हैं? और भी हैं इधर। अच्छा ये और भी हैं, इनमें तो पानी है। इधर निकाल लेते हैं। बस लास्ट जो है ना ये वर्क है, इसके बाद हमारे चावल बन जाएंगे। ये बनेगा आज चिकन पुलाव। हाँ जी, आज सबके फरमाइश से चिकन पुलाव हमने खाना है, चिकन पुलाव हमने खाना है। प्याज रायता भी साथ बनाएंगे, और पहले जो है ना काफ़ी बार हमने रायता नहीं बनाया था, आज सामान भी ले आए थे रायते का, रायता भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने भी ऐसे ही हमारे साथ दावत खाना चाहते हैं, हमारी दावत पे आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, किसी को कोई रुकावट नहीं है। आप आएँ हमारे साथ दावत खाएँ, हमारे जो फ़ैन देखने वाले हैं। धुआँ आ गया, धुआं आ गया, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं ऐसे इनको जो है ऐसे चमका लेता हूँ। क्योंकि आज देखें हमने ये चावलों वाला चमचा उठाया हुआ है। सब लोग बोलते हैं ना कि चावल टूट जाते हैं, चावलों वाला चमचा अलग होता है, तो ये हमारा चमचा जो है चावलों वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे लाजवाब। नमक चेक करते हैं, मैंने कहा इसके साथ चमचा लगाने वाली है। नहीं नहीं नमक चेक करते हैं, घी ना हो पास। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, अभी नमक चेक हो रहा है, तो नमक चेक करने के बाद पता चलेगा कि क्या सिस्टम है। मैं खुद चेक करूं? आजकल मुझे नमक का नहीं पता अंदाजा होता। चलें जी मैं खा लेता हूँ, काम की वजह से ना। कैसे है? थोड़ा काम लग रहा है। घी वाला खिला दिया है, थोड़ा सा और काफी है। बस अब ओके है, अब इसको अच्छे तरीके मिक्स करो, फिर इसको पकने दो। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका है, फिलहाल तो खाली है, लेकिन इधर जो है वर्क जारी है। और ये जो है बर्तन इधर इकट्ठे कर रही है, वो जो है प्याज ये धोने वाली हैं। अच्छा इसके बाद जो है रायता बन गया के नहीं? बन गया है रायता, रायता बन गया। हाँ जी ये देखें, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह क्या लुक है रायते की। रायता भी बहुत सारा माशाल्लाह बना लिया है, अभी चावल ऊपर से उठाने हैं। मुंशी को देख रहा हूँ, मुंशी उठा लेगा? हाँ मुंशी उठा लेगा। चले फिर मुंशी उठा के आता है, फिर जो है ना इधर खाएँगे रायता। प्याज और पानी जो है लगा दिया गया है, इधर जो है पतीला भी पहुंच चुका है, साथ में भाभी भी आ गई है। चलें बिस्मिल्लाह करें, पतीले का दम उतारे हैं। इधर जरा साइड पे हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर देखते हैं आज कैसा कैसा चावल बना है, चिकन पुलाव आज कैसा बना हुआ है। बिस्मिल्लाह रोंगटे खड़े हो गए हैं, लग तो मजेदार है। ओके करें,
बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू लाजवाब है और खाना भी माशाल्लाह वेरी टेस्टी लग रहा है। चलें डालें प्लेटों में और बांट दें सबको। कैसा है मुंशी? बिस्मिल्लाह करो, खाओ 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 खाओ, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो सब लोग खाओ। नहीं मैं जा रहा हूँ।